सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दोस्तों, एक्सा बीच मुंबई, दोस्तों बीच पे एक नंबर जगह है दोस्तों। अगर तुम सच में बोलता हूँ, जी जान लगा देंगे, डुप्लीकेट गोवा है दोस्तों। सस्ते से सस्ते रूम में 300 तक दोस्तों स्टार्ट होते हैं दोस्तों। आप लोग जरूर आइए। भाई कहाँ जाना है आपको, आप ही बोलो। भाई मेरे को तो ज्यादा से इतना नॉलेज नहीं है, आप तो इधर रहते भाई, आप बड़े इंसान हो भाई। हम मुंबई से कितने दूर मुंबरा में रहते भाई, आप तो इतनी बड़ी सिटी में रहते भाई, ये तो बहुत करोड़पति लोगों को रहने की जगह। और मैंने सुना भाई इसके बाद में बांद्रा है, सब हीरो लोग रहते हैं। सही बात है भाई। सही बात है ना भाई। हीरो लोग क्या है यार, हीरो लोग तो भाई मैंने तो सुना वो भी चौपड़ी बहुत बड़ी, उनके शाहरुख खान सलमान खान के घर के सामने पूरे हीरो लोग ही रहते हैं भाई। उसका लोगों का नाम क्या है भाई? जू चौपाटी, जहाँ आप बोल रहे हो वहाँ पे जू चौपाटी है। और वहाँ पे क्या हीरो हीरोइन जॉगिंग करने आते हैं, लेकिन आपको 3:30 बजे तक 3:30 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सुबह वो रात में भाई, रात में 3:30 बजे उनकी सुबह वो है और अपनी सुबह 12 बजे। ओ भाई मैं भाई फिर मुश्किल है रात में आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ फिर बंदे भी ऐसे पड़ेंगे भाई। ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा जॉगिंग का कपड़ा पहन के आने का ना, ऐसा टेंशन नहीं है। 3:30-4 बजे वो जू खुला रहता है, ऐसी कोई बात नहीं, पब्लिक रहती है। तो भाई मैं फैमिली लेके आ सकता हूँ क्या? हाँ फैमिली लेके आ सकते हो। तो भाई ये किधर आए हैं तुम अभी? आज हम आए हैं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों मेरा नाम है AR खान और मैं हूँ हमारे यूसुफ भाई, यूसुफ यारा जो मुमरा में रहते हैं। आज हम आए हैं यूसुफ भाई अक्सा बीच। वाह बहुत प्यारा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को गोवा में ला लिया आपने। अरे मतलब छोटा मिनी गोवा समझ लो यार। ओके यार, अपन तो 2 बजे से आए हैं यहाँ पे, 2:30 बजे से कुछ आए हैं, तो पब्लिक क्या है शाम के टाइम पे बहुत आती है यहाँ पे पब्लिक। सैटरडे और संडे फुल हाउसफुल रहता है, मतलब समझो। भाई मुझे इधर आना रहेगा तो मैं कैसे आऊंगा भाई इधर? भाई अगर आपको आना रहेगा तो आप यहाँ पे वेस्ट में आ जाओ, मलाड़ वेस्ट है। आप आओ मालोनी चर्च के आगे, आप मलाड़ वेस्ट में आ जाओगे, किसी को भी बोलोगे कि अक्सा बीच जाना है कोई। ओ वाह, उसका अक्सा बीच नाम है क्या? अक्सा बीच। तो दोस्त मुझे शॉर्टकट में आने के लिए मतलब मैं किधर से भी आ सकता हूँ भाई? और मुझे अगर कभी रुकना है एक रात के लिए तो मैं रुक सकता हूँ भाई? हाँ यहाँ पे अगर यहाँ सस्ते से सस्ता रूम कितने तक मिलेगा भाई मुझे? अगर बाहर निकलोगे जैसे मैं भाई अहमदनगर से आता हूँ या पंजाब से आता हूँ, गुजरात से आता हूँ, हरियाणा से आता हूँ, घूमने की जैसी जगह है। गोवा के बाद महाराष्ट्र के बाद बम्बई का नाम आता है, तो ये बात सही भाई? मुंबई मेरी जान यार, मुंबई तो अपनी जान है। मैं मुंबई में पैदा हुआ, मुंबई में पला बड़ा हूँ, इंशाल्लाह अगर दुनिया में रहा तो मुंबई में ही मरूंगा, मुंबई में रहूंगा, जहाँ अपनी नसीब लिखे। लेकिन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत सारे लॉज है, जो आप दूर से आए तो रुक भी सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और मिनिमम एक रात का कुछ 3,500 रुपया कुछ है, 3,500-2,500 ऐसा, 3,000 रुपये खाना वगैरह। तो भाई मुझे थोड़ा सा डर लग गया, मैं आ रहा हूँ इधर से, मैं सब देखा ना कपल लोग ऐसे पकड़ पकड़ के क्या है भाई, गलत तो जगह पर ले लाया आपने। अरे नहीं भाई, ये कपल पॉइंट नहीं है, लेकिन कपल लोग आते हैं यहाँ पे, देखो कपल भी है और यहाँ पे पब्लिक भी है, और वो साइड देखोगे तो पूरी फैमिली है, वो साइड पे पूरी फैमिली है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इधर ही कपल क्यों जा रहे हैं सब लोग? अरे ये तो कपल का गढ़ है भाई, देखो आजकल की पब्लिक तो देखो भाई, ये कपल है भाई अंदर जो खड़ा, ये सब कपल है। ओके और ये जंगल है। ओके मतलब आजकल की पब्लिक तो समझदार है। तो भाई मैं समझो एक रात के लिए आता हूँ तो मेरा मतलब रुकने खाने का कितना तक हो जाएगा? कपल लेके आओगे आप? अच्छा भाई मैंने बाबा देख रहे भाई, अरे भाई हाँ दोस्त लोग को लेके आओगे तो यहाँ पे है लॉज वगैरह है यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप रुक सकते हो, मिनिमम प्राइस